नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं पाइपिंग एंड कनेक्शन शेप्स के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि P&ID के अंदर में कैसे पाइपिंग और उसके शेप्स, जॉइंट्स और उसके हर एक चीज़ को कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और किसका क्या मतलब है और क्या है उस नाम के पीछे उसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, तो अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ दोस्तों। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये सिंबल है मेजर पाइपलाइन का। मेजर पाइपलाइन मतलब अगर कोई पाइपलाइन बहुत बड़ी पाइपलाइन है तो, या फिर उसका विड्थ डाया कुछ ज़्यादा है तो वो मेजर पाइपलाइन में आता है। तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से थिकनेस दे के बनाया होगा। फिर ये है आपका कनेक्ट पाइपलाइन, एक पाइपलाइन जहाँ दूसरे से कनेक्ट होगा उसका ऐसा सिंबल होगा। फिर मेजर स्ट्रेट लाइन पाइप, तो अगर ये कोई पाइपलाइन जो काफ़ी स्ट्रेट काफ़ी दूर तक गया है उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर ये स्ट्रेट लाइन पाइप, लेकिन ये मेजर नहीं है, मतलब अगर पाइपलाइन लगा हुआ है लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लाइन है तो उसको डॉट डॉट करके दिखाया जाएगा। फिर बैटरी लिमिट लाइन, जो लाइन ने बैटरी लिमिट, बैटरी लिमिट मतलब जो प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जा रही है पाइपलाइनें, इंटरचेंज हो रही हैं इंटर बिटवीन दो यूनिट्स के बीच में, वो बैटरी लिमिट होता है, तो उस जगह की पाइपलाइन को इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सीरियल, तो इसको एस करके, और हीट ट्रेस, हीट ट्रेस का दूसरा भी सिंबल है लेकिन ये एच करके, अगर कहीं पे हीट ट्रेस किसी पाइपलाइन पे एच लिख दिया गया है मतलब उस पाइपलाइन पे एक हीट की स्टीम ट्रेसिंग दी गई है या किसी तरह का इलेक्ट्रिकल हीट ट्रेसिंग दिया गया है तो वो इस तरह से एच देखा जाएगा। फिर ये है साइड बाई साइड, साइड बाई साइड का मतलब है कि जो पाइपलाइन है वो साइड बाई साइड जिस एंगल में जिस डायरेक्शन में दिया गया है उस डायरेक्शन के हिसाब से मूव हो रहा है। फिर टॉप बॉटम, टॉप बॉटम का इसका मतलब है कि जो ये टॉप से बॉटम की तरफ पाइपलाइन आपकी मूव कर रही है। फिर ये है वन टू मैनी, मतलब ये मैनीफोल्ड है एक तरीके से, कि एक पाइप को लगाने के बाद, एक पाइप को जोड़ने के बाद उससे कई फ्लेंज आउटपुट में आउट होते हैं तो वो इस तरह से वन वे से मैनी वे में हो जाएगा। फिर ये आता है ट्रेस्ड लाइन, मतलब ये किसी भी तरह की ट्रेसिंग से, चाहे वो इंसुलेशन हो चाहे वो स्टीम ट्रेसिंग हो या किसी भी, वो अननोन है, अगर पता नहीं है कि किस तरह की ट्रेसिंग है तो उसको ट्रेस्ड लाइन दिया जाएगा। फिर आता है मल्टी लाइन्स, मतलब एक साथ कई लाइनें जा रही हैं। फिर मिड एरो, मिड एरो का मतलब है कि डायरेक्शन बता रहा है। फिर यह है मल्टी लाइन्स एल्बो, एल्बो मतलब जहाँ पे एक ही साथ में बहुत सारी लाइनें जा रही हैं और सबको एक साथ एक ही मतलब बारी बारी से एल्बो लगाकर एक डायरेक्शन में मोड़ दिया जाए तो वहाँ पे ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा, मल्टी लाइन्स एल्बो। फिर ये आता है वाई स्ट्रेनर, वो इस तरह से दिखेगा। फिर ये आता है आपका डाइवर्ट वाल्व्स, तो ये है डाइवर्टर वाल्व्स। फिर ये आता है वाई टाइप स्ट्रेनर, तो ये स्ट्रेनर कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों को। फिर आता है रोटरी वाल्व, कोई अगर रोटरी वाल्व फील्ड में लगा है तो वो इस तरह से दिखेगा आप लोगों को, P&ID में दिखाया जाएगा रोटरी वाल्व। फिर उसके बाद आता है एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट मतलब आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि एक्सपेंशन जॉइंट मतलब हम जब पाइपलाइंस को जोड़ते हैं तो पाइपलाइन में अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, कोई भी मेटल होगा तो उसके हिसाब से वो एक्सपेंड होगा या फिर वो सिकुड़ेगा। तो एक्सपेंड होने से उसका, अगर उसमें कुछ एक्सपेंशन नहीं रखेंगे हम तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा लाइन, तो इसलिए हम क्या करते हैं एक्सपेंशन रखते हैं। तो उस जॉइंट को जहाँ पे भी एक्सपेंशन होगा, जॉइंट में एक्सपेंशन जॉइंट होगा, उसको इस तरह से डिनोट करेंगे हम या तो, या फिर एक आगे आपको सिंबल मिलेगा मैं दिखाऊंगा तो उस तरह से उसको डिनोट किया जाएगा। फिर ये आपका आता है बर्स्टिंग डिस्क, वो इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। फिर ये है टॉप टू टॉप, टॉप टू टॉप मतलब जहाँ पे एक टॉप से दूसरे टॉप के बीच में मतलब दिखाया जाएगा टॉप से, तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा टॉप टू टॉप। फिर ये सोनिक सिग्नल, सोनिक सिग्नल मतलब जो साउंड सिग्नल जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा होगा तो उस जगह के सोनिक सिग्नल, जो साउंड सिग्नल होगा उसको इस तरह से दिखाया जाएगा आप लोगों को। फिर ये न्यूक्लियर, जहाँ पे भी पूरे उस यूनिट में न्यूक्लियर यूज़ होगा उसको इस साइनोसॉइडल फॉर्म में सिग्नल की तरह दिखाया जाएगा, हालांकि ये सिग्नल नहीं है लेकिन इस तरह से न्यूक्लियर को दिखाया जाएगा। फिर आता है ये न्यूमेटिक कंट्रोल, न्यूमेटिक मतलब जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एयर वगैरह या किसी भी तरह का न्यूमेटिक सिग्नल देकर उसको कंट्रोल किया जा रहा है तो उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। आप मान लीजिए कोई लाइन है, सपोज
एक लाइन ऐसे जा रही है, अब उसको न्यूमेटिक लाइन है तो कुछ इस तरह से दिखा दिया जाएगा, इसका मतलब ये न्यूमेटिक लाइन है। तो ऐसे ही ये न्यूमेटिक लाइन है। अब इसके बाद आता है न्यूमेटिक बाइनरी सिग्नल। बाइनरी सिग्नल मतलब कि वो है तो न्यूमेटिक सिग्नल, लेकिन वो या तो ऑन करेगा या ऑफ करेगा, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो ये बाइनरी सिग्नल हुआ, क्योंकि वो या तो लो होगा या हाई होगा। तो न्यूमेटिक सिग्नल अब अगर जा रहा है, जैसे SOV है, तो SOV के साथ अगर कोई SOV का आउटपुट होगा तो वो न्यूमेटिक बाइनरी आउटपुट होगा, क्योंकि वो देगा तो न्यूमेटिक आउटपुट, अगर उसमें इंस्ट्रूमेंट एयर उससे बाहर आउटपुट में मिल रहा है तो, लेकिन वो बाइनरी ही होगा, या तो 0 या 1, क्योंकि SOV एक टाइम में या तो चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। फिर आता है इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइन, तो उसको किसी इस तरह से दिखाया जाएगा। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बाइनरी सिग्नल लाइन। तो इलेक्ट्रिक बाइनरी सिग्नल लाइन में भी वही है कि या तो ये एक बार में 0 होगा या 1 होगा, मतलब या हाई होगा या लो होगा, तो वो इस तरह से दिखाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रिक बाइनरी सिग्नल लाइन, तो वो भी कुछ इस तरह से ही दिखाया जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, बस इसमें अलग से क्या है कि ये सिग्नल लाइन को ही दिखाया गया है, यहाँ पे जो बाइनरी बिट है उसको दिखाया गया है। फिर आता है स्लीप ज्वाइंट, उसको कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर ये है आपका जनरल ज्वाइंट, जिसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं दिया जाएगा, जनरल ज्वाइंट को नॉर्मली ऐसे ही शो कर दिया जाता है। फिर आता है बट वेल्ड, फिर आता है वेल्डेड कनेक्शन। तो अब कहीं पे भी एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ अगर वेल्ड करके या कनेक्ट कर किया जाता है वेल्डिंग के थ्रू, तो उसको इस तरह से वेल्डेड कनेक्शन के थ्रू दिखाया जाएगा। फिर आता है आप लोगों का मैकेनिकल लिंक, तो ये मैकेनिकल लिंक होगा तो उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर आता है आपका सोल्डर सॉल्वेंट, तो ये इस तरह से दिखाया जाएगा। ब्लाइंड डिस्क, अब ब्लाइंड डिस्क मतलब अगर कहीं पे भी किसी भी फ्लैंज को ओपन ना रख के ब्लाइंड किया जाता है। ब्लाइंड मतलब कि अगर मान लीजिए कोई वाल्व है, अगर वो रूट वाल्व आपका फेल होता है या कुछ होता है, तो उसका मटेरियल जो है वो प्रोसेस से बाहर होके एटमॉस्फेयर में ना आ जाए, तो उसके लिए ब्लाइंड किया जाता है। तो वो जो डिस्क होता है वो इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। फिर ये आता है आपका स्पेक्ट्रल ब्लाइंड, तो ये ब्लाइंड इस तरह से है, कुछ स्पेशल टाइप का ब्लाइंड है जो कि इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर आता है दूसरा, ये इंटरचेंजेबल ब्लाइंड। इंटरचेंजेबल का मतलब है कि उसमें पाइप के अंदर उस ब्लाइंड में दो तरह का एक डिस्क होगा, एक होगा जो फुली उसको ब्लाइंड कर देगा, ब्लाइंड मतलब उस पाइपलाइन के प्रोसेस को आगे नहीं जाने देगा, और दूसरा होगा कि ऐसा डिस्क होगा जो उस पाइपलाइन के शेप का ही होगा, उस पाइपलाइन पे लगा देंगे तो पाइपलाइन का फ्लो आगे जाएगा। तो अगर ब्लाइंड बाहर होगा तो पाइपलाइन के अंदर का शेप जिससे फ्लो आगे जा सकता है वो अंदर होगा, और दूसरा अगर ब्लाइंड अंदर होगा तो वो जो शेप है पाइपलाइन को जो आगे प्रोसेस को जाने देगा वो बाहर में होगा। तो इस तरह से ये कुछ ऐसा ही होगा कि जो दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो इसको आप देख भी सकते हैं इसमें कि कैसे है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है ओपन डिस्क, ओपन डिस्क कुछ इस तरह से होगा। फिर आता है आप लोगों का यहाँ पे ऑरिफिक प्लेट। ऑरिफिक प्लेट क्या होता है, ये एक तरह से DP क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, डिफरेंशियल प्रेशर, जो कि बाद में उसे जो DP क्रिएट होगा उससे हम फ्लो को मेजर कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा ये डबल कंटेनमेंट, तो इसको कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। फ्लेंज, फ्लेंज अगर कहीं पे है तो उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। अब ये फ्लेंज मैटर करता है कि ये पाइपलाइन में है या किसी वाल्व की बॉडी का फ्लेंज है। फिर ये एंड कैप्स, अगर कहीं पे पाइपलाइंस है और वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, तो उसको हाफ सर्कल करके ऐसे एंड कैप की तरह दिखा दिया जाएगा कि भाई आगे कुछ नहीं है। फिर ये एंड कैप टू को इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। फिर ब्रीदर, अगर पाइपलाइन में कोई ब्रीदर लगा हुआ है तो इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर ये है आपका ड्रिप पैन एल्बो। फिर ये है फ्लेंज, फ्लेंज इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। अभी आपने ऊपर भी देखा कि फ्लेंज कुछ इस तरह से भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिलहाल चीज़ें तो एक हैं लेकिन सिंबल्स अलग अलग हैं, तो किसी भी तरह से दिखाया जा सकता है। यूनियन, कहीं भी अगर पाइपलाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उस जगह को कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। ये थ्रेडेड यूनियन होगा तो इस तरह से दिखाया जाएगा, अगर वो वेल्डेड है तो वेल्डेड होने पे वो कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर आता है आपका सॉकेट वेल्ड, अगर सॉकेट लगा के वेल्डिंग किया गया है तो वो इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर ये स्क्रूड कनेक्शन, ऑरिफिक प्लेट, अभी यहाँ पे भी आपने नीचे में ये ऑरिफिक देखा है और ये भी ऑरिफिक, तो दोनों ही सेम है, चीज़ें सेम है, बस इनके सिंबल्स अलग अलग हैं, तो उससे ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। और ये ऑरिफिक है,
फिर आता है आपका ये फ्लेंजर डमी कवर। तो किसी को भी अगर डमी कवर मतलब अगर कोई जगह है, स्पेस है, उसको कवर करना है तो उसके लिए एक डमी लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से दिखाया जाएगा कि इस जगह पे हमने डमी फ्लेंज लगा के उसको कवर किया हुआ है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल बाउंडेड, तो वो इस तरह से होगा। फिर ये है स्लोप रिक्वायरमेंट्स लाइन, तो जहाँ पे स्लोप लाइन में स्लोप की ज़रूरत होगी तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा कि आगे जाके अब ये लाइन स्लोप में या तो नीचे या अगर ऊपर की तरफ डिनोट किया जाएगा तो ऊपर की तरफ स्लोप बनाएगी। फिर ये है रिड्यूसर। रिड्यूसर मतलब एक पाइपलाइन में अगर हमारा जो ये ज़रूरत पड़ता है कि पाइपलाइन 8 इंच का है, आगे जाके उसको 4 इंच या 6 इंच होना है तो रिड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्टली 5 इंच के 8 इंच के पाइप को डायरेक्ट 6 इंच या 4 इंच से नहीं जोड़ सकते। तो उसको रिड्यूसर के थ्रू धीरे धीरे स्लोप में डाल के फिर उसके बाद उसको वेल्ड किया जाएगा। तो इस तरह से दिखाया जाएगा भाई आगे यहाँ पे रिड्यूसर लगा दिया गया है। फिर आता है आगे हमारा ये पल्सेशन डैम्पनर, तो ये इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर डुप्लेक्स स्ट्रेनर, उसके बाद आता है वेंट साइलेंसर। अब अगर हम मान लीजिए कोई भी एटमोसफेयर में एयर या इंस्ट्रूमेंट एयर या नाइट्रोजन या कुछ भी छोड़ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, वेंट कर जो भी करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो उसके लिए एक साइलेंसर लगाया जाएगा, क्योंकि वो भी एक पोल्यूशन क्रिएट करेगा, नॉइस पोल्यूशन, तो उससे बचने के लिए वेंट साइलेंसर लगाया जाएगा। फिर ये बास्केट स्ट्रेनर, फिर उसके बाद आता है आपका कोन स्ट्रेनर, और फिर आता है पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व विथ रेनोड सेंसर। फिर आपका नेक्स्ट आता है ये लाइन तो हमने बता ही दिया है आप लोगों को। तो नेक्स्ट पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटेड, मतलब कोई ऐसा जैकेट सीट या पीवीसी से कोटिंग होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करेगा। फिर आता है इनलाइन मिक्सर, उसके बाद इनलाइन मिक्सर मतलब किसी पाइपलाइन के अंदर ही ऐसा ये जो ऐसा इन्होंने बनाया है, तो इसके हिसाब से अब पाइपलाइन के अंदर अगर ऐसा कोई शेप होगा तो उसके अंदर अगर दो फ्लूड आएगा तो दोनों फ्लूड आपस में इस तरह से घूम घूम के जाने की वजह से मिक्स हो जाएगा, तो वो इस तरह से काम करता है इनलाइन मिक्सर। फिर ये आता है सेपरेटर, तो अगर दो अब अगर एक ही पाइपलाइन से दो जगह पे हमको डिवाइड फ्लो लेना है तो बीच में एक सेपरेटर दे दिया जाता है, उसको इस तरह से दिखाया गया है। फिर आता है आपका ये ब्रस्टिंग डिस्क। फिर आता है फ्लेम अरेस्टर, फ्लेम अरेस्टर इस तरह से दिखाया जाएगा जहाँ पे हमको फ्लेम बिल्कुल नहीं इग्नाइट करने देना है, अगर फ्लेम इसलिए वहाँ पे हम फ्लेम अरेस्टर लगाएंगे, तो फ्लेम अरेस्टर लगा होने से उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा कि भाई यहाँ पे फ्लेम अरेस्टर लगा हुआ है। फिर यह ड्रेन साइलेंसर, अगर हम किसी चीज़ को ड्रेन कर रहे हैं किसी भी लिक्विड को या अगर हम किसी भी एयर मतलब गैस को ड्रेन कर रहे हैं तो वो नॉइस प्रोड्यूस ना करे, तो उसके लिए साइलेंसर लगाया गया है। फिर यह है एग्जॉस्ट साइलेंसर, कुछ भी एग्जॉस्ट करने से या अगर कोई भी हमारा इंजन है या कोई भी जैसे डीजी है, डीजल इंजन है, डीजल जनरेटर है, तो उसके एग्जॉस्ट में हम साइलेंसर लगाते हैं, तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा। फिर आता है स्ट्रेनर, एग्जॉस्ट हेड। फिर आता है आपका ट्रायंगल सेपरेटर, ट्रायंगल सेपरेटर टू। फिर आता है टंडिश ओपन वेंट, अब अगर कोई भी वेंट हम ओपन में रख रहे हैं तो उसको डायरेक्ट हम ऐसे ओपन में दिखा सकते हैं कि हाँ ये वेंट ओपन में है विदाउट साइलेंसर। अगर कुछ भी साइलेंसर है, वेंट ओपन में है और साइलेंसर उसके साथ लगा हुआ है तो किस तरह का साइलेंसर है, तो वो इसके एंड में जुड़ जाएगा। फिर आता है ये साइफोन ड्रेन, फिर ये हाइड्रेंट, फिर इसके बाद आता है आपका स्वेल ज्वाइंट, फिर ऐसे आपका फ्लेम अरेस्टर, सॉरी ये डिटोनेटर ये हमने छोड़ दिया था। फिर आता है इन लाइन साइलेंसर, अगर किसी भी लाइन के अंदर में आपका साइलेंसर लगा हुआ है तो वो इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर आता है स्टीम ट्रैप, स्टीम ट्रैप क्या होता है, ये एक तरीके का फ्लोटिंग डिस्क का ये ऐसा मैकेनिज्म होता है जो आपको स्टीम का कंडेंसेट आने के बाद वो फ्लोट उठ जाता है और वो फिर स्टीम की प्रेशर की वजह से वो पानी बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो कंडेंसेट बाहर निकलता है फिर वो फ्लोट उस जगह पे आकर उस जगह से जो स्टीम है उसको निकलना रोक देता है, तो जिसकी वजह से ये स्टीम ट्रैप काम करता है, तो ये स्टीम ट्रैप का सिंबल है। फिर आपका आता है डी सुपर हीटर, फिर आता है इजेक्टर और इंडिकेटर, फिर आता है आपका एग्जॉस्ट हेड, फिर नेक्स्ट है एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो एक्सपेंशन ज्वाइंट अभी हमने पीछे में आपको बताया था, ये कुछ इसी तरह से है जो बेलोज की तरह दिख रहा है, तो ये एक्सपेंशन जॉइंट है, ये होज
होज क्या होता है, ये एक दूसरे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को अगर हम मैन्युअली लेके जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे पाइपलाइन नहीं है लेकिन फिर भी हमको एक जगह से दूसरी जगह स्टीम लेके जाना है, तो वो होज होगा। लेकिन ये डिफाइन नहीं किया कि ये किस तरह का होज होगा, तो इसलिए ये एक होज का जनरल सिंबल है। ये फ्लेक्सिबल होज है, अगर कोई होज है वो फ्लेक्सिबल है तो उसके लिए इस तरह का सिंबल बनाया जाएगा। फिर यह है फ्लो इंडिकेटर। फ्लो इंडिकेटर जैसे अभी अब पिछली वीडियो में हमने आपको दिखा था कि जो रोटा मीटर है वो उसका कुछ सेम बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो रोटा मीटर भी आपका फ्लो को ही दिखाता है, तो वो फ्लो इंडिकेटर और रोटा मीटर एक ही चीज़ है। फिर ये आता है बेल माउथ, फिर उसके बाद आता है आपका ये रिमूवेबल स्पूल, फिर यह है ये बास्केट स्टर्नर, फिर ब्रीदर, डैम्पर, फिर ये है आपका ब्रेक थ्रो, फिर ये ऑरिफिस। ऑरिफिस पीछे में भी मैंने आपको दो तरह से दिखाया है, और ये भी एक ऑरिफिस है, यहाँ पे भी एक ऑरिफिस है, तो ये तरह तरह के ऑरिफिस हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन ये सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं। फिर ये है आपका क्लैम्प फ्लेज कपलिंग, फिर है ये आपका कंपनसेट, फिर कपलिंग, इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटेड। अभी आपने पहले में भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटेड देखा, तो दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग तरह से दिखाया गया है। फिर फ्लेम अरेस्टर, ये एक फ्लेम अरेस्टर आपने यहाँ पे देखा, दूसरा फ्लेम अरेस्टर यहाँ पे देखा, तो इन दोनों तरह से एक चीज़ को ही डिनोट करती हैं। फिर आता है एक्सप्लोजन प्रूफ फ्लेम अरेस्टर, ये अगर कोई ऐसा फ्लेम अरेस्टर जो एक्सप्लोजन जहाँ पे एक्सप्लोजन एरिया मतलब कैटेगरी वाइज है कि कैटेगरी ए बी सी या कौन से जोन में है, जोन जीरो, जोन वन और जोन टू, किस जोन में अगर वो एक्सप्लोजन का लिमिट है तो उस जगह पे क्या कौन सा अरेस्टर यूज़ करना है, वो ये डिफाइन करता है। फिर ये आता है आपका डेटोनेशन प्रूफ फ्लेम अरेस्टर, तो उसको कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर ये है फायर रेजिस्टेंट फ्लेम अरेस्टर, तो उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर आता है फायर रेजिस्टेंट एक्सप्लोजिव प्रूफ फ्लेम अरेस्टर, तो ये इस तरह से होगा कुछ थोड़ा सा। और लास्ट है सबसे वाल्व मैनिफोल्ड, अगर कोई वाल्व है उसके साथ वो मैनिफोल्ड बना हुआ है तो वो इस तरह से दिखाया जाएगा आप लोगों का। तो ये रहा आज हम लोगों का ये सेशन, इसके बाद ये पाइपिंग एंड कनेक्टिंग शेप्स का ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन जल्दी ही लेके आएंगे दोस्तों, तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।